एमएसएमई के अस्तित्व में आने के बाद से संघ के अध्यक्ष के झा के नेतृत्व में उद्योगपतियों की समस्याओं के निराकरण को लेकर पदाधिकारियों द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। कुछ समस्याओं का निराकरण भी हो चुका है, कुछ होने की कगार पर है। अध्यक्ष द्वारा समस्याओं के निराकरण करने शासन से पत्राचार किया जाता रहा है। एमएसएमई के अध्यक्ष के झा ने ग्रैंड एशियन न्यूज से चर्चा करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार के कार्य और उद्योग हित में की गई पहल निराकरण को लेकर जानकारी। आज हमारे साथ मौजूद है एमएसएमई जिला उद्योग संघ दुर्ग के अध्यक्ष के झा जी। एमएसएमई के अस्तित्व में आने के बाद से ही उद्योग हित के लिए लगातार एमएसएमई के अध्यक्ष झा जी के नेतृत्व में समस्त पदाधिकारियों द्वारा सदस्यों द्वारा कार्य किया जाता रहा है। शासन स्तर पर भी कई समस्याओं को, उद्योग जगत से जुड़ी कई समस्याओं को लेकर अधिकारियों जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया जा चुका है। चूँकि अब आज स्वयं हमारे साथ मौजूद हैं के झा जी, आइए हम इनसे ही चर्चा से यह जानने का प्रयास करते हैं। झा जी, चूँकि अभी सरकार को कार्य का एक वर्ष शेष रह गया है, तो इस दौरान अभी आप लोगों की कितनी जो महत्वपूर्ण मांगे रही वो पूर्ण हुई हैं, आपको क्या लगता है? सरकार का हम एक साल नहीं मानते हैं, हमारे जैसे व्यक्ति थोड़ा सा ज़्यादा इसमें चाहेगा कि एक टर्म और आएगा। भूपेश बघेल अभी पहले तो एक टर्म अभी जो आएंगे उसकी बात करें तो हम एक साल नहीं मानते हैं, लेकिन आप लोगों के भाषा में यदि एक साल है तो वो भी सही। सरकार बहुत ज़्यादा एमएसएमई के प्रति अपना रुचि दिखाया है और यहाँ के उद्योग को, छत्तीसगढ़ के उद्योग को उन्होंने प्राथमिकता के साथ जो भी कठिनाइयाँ थी उसको सॉल्व किया है। एक होता है खाली डिमांड करो, लेटर लिखो, लेटर फाइल हो जाएगा, उसका काम तो होना नहीं, और आपको अखबार में छपवाने के लिए मैंने मुख्यमंत्री को पत्र दिया, केंद्रीय मंत्री को पत्र दिया, होने के लिए हो जाता है। ऐसा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले इनसे मैं मांग किया था छत्तीसगढ़ लघु सहायक उद्योग संघ के बैनर पर एज ए महासचिव मैंने मांग किया था बिलासपुर में, जो हमारा राष्ट्रीय मेला को उद्घाटन करने आए थे। तो मैं बोला था कि सर ऐसा है कि यहाँ पर जेम आ गया है, जेम से खरीदी हो रही छत्तीसगढ़ शासन में जितने भी हो रहा है, इसमें छत्तीसगढ़ शासन में जो बैठे हुए हैं सीएसआईडीसी के लिए, क्योंकि आज तक सीएसआईडीसी के थ्रू खरीदी हो रहा था, उस पर जेम आ गया सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया और शासन को भी समय पर माल नहीं मिलता था। तो उन्होंने अपने निज सचिव से या किसी से बात किए, जो भी किए, और उन्होंने तत्काल घोषणा कर दिए कि यदि ये चीज़ जेम के जगह सीएसआईडीसी फिर से बहाल हो सकता है तो मैं अवश्य करूंगा। और ठीक डेढ़ महीना के बाद उन्होंने कैबिनेट से पास करवा करके ना केवल उसका घोषणा किए बल्कि सीएसआईडीसी से पूरे प्रदेश का माल खरीदी शुरू हो गया, जो हमारा प्रोडक्ट था। दूसरी बात, फ्री होल्ड जमीन का विगत 20 साल 25 साल से हम लोग मांग कर रहे थे, अन्य स्टेट में हुआ भी था, लेकिन वो मांग जो था एक कागज़ के टुकड़ा पर रखा रहता था, हम भी आज लेटर लिखते थे, वहाँ भी फाइल हो जाता था, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा संजीदगी से उस बात को लिए और फ्री होल्ड की घोषणा की। प्रारंभ में उन्होंने एक हेक्टेयर की बात की थी, बाद में जब कोरोना के समय था फिर घर पे एक बार मीटिंग बुलाए थे निवास पर कि प्रदेश का उद्योग का क्या हाल समाचार है, कहाँ पर क्या तकलीफ हो रहा, उसमें हमको भी आमंत्रित किया गया था। तो उनके कार्यालय में कुछ कुछ आदमी को बुलाते थे कोरोना के समय में, तो उसमें बोला कि सर इसमें थोड़ा सा इसको बढ़ा दीजिए, तो उन्होंने 5 एकड़ तक कर दिया फ्री होल्ड जमीन। उसी प्रकार बड़े उद्योग को बिजली में बहुत कठिनाई हो रही थी रेट लेकर के, उनका रेट को डिडक्ट किया। अब प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या आ गई थी कि जमीन की उपलब्धता की कमी थी कि इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए जमीन नहीं बचा था, कहीं पर इंडस्ट्रीज खोले, इन्होंने सब जगह जगह पर इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए जमीन आवंटित किए और उसको चालू करवाए, उसका आवंटन चालू हुआ। अब
बस्तर में उद्योग को कैसे बढ़ाया जाए उसके लिए अलग तरीका लगाए, तो सब जगह जितने भी चीज था, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ शासन ने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जैसे कि बैंक में, बिजली में और बहुत सारे ऐसे थे जैसे स्टाम्प शुल्क में, ये सब तरह की छूट दिए और मदद भी कर रहे हैं। अब हमारी समस्या जो बची हुई है, समस्या मेन जो है, जिस समय जीएसटी का प्रवेश हुआ और उसके पहले वैट था, वैल्यू एडिशन टैक्स, उस वैट के लिए हमने अनुरोध किया मुख्यमंत्री जी से कि ये वैट को या तो समाप्त कर दीजिए, क्योंकि उस कोरोना काल में कितने कालकल्पित हो गए, कितने अकाउंटेंट चले गए, कितने मालिक चले गए, किसी के फाइल दुरुस्त नहीं है लेकिन अभी तक वो पीछे लगा हुआ है, या फिर टोकन अमाउंट लेकर के इसको ख़त्म करें। एक अभी ये मांग लंबित है जिसका हमारे पास में जवाब भी आया है कि इस पर विचार हो रहा है, वो जवाब मैं आपको उपलब्ध भी करा दूंगा मुख्यमंत्री कार्यालय से जो आया है। तो वैट का काम ऐसा है कि हो जाएगा, हमको पूरे उम्मीद है, क्योंकि झा जी वैट के लिए आपके द्वारा पूर्व में मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा गया था, उसकी प्रगति कहाँ तक पहुँच पाई कि जिससे उद्योगपतियों को इसका लाभ मिल सके? वही मैं बोलना चाह रहा था कि उनका जवाब आ गया है, जो मैं जवाब की कापी भी आपको लगा रहा हूँ, और उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार हो रहा है। हमें उनके कार्यशैली के हिसाब से पक्का हमें विश्वास है कि हमारा कार्य बहुत जल्दी हो जाएगा। संपत्ति कर को लेकर के भी चर्चा हुई थी, संपत्ति कर, उद्योगों से संपत्ति कर हटाए जाने की मांग को लेकर के, इस संबंध में किस तरह की कोई उत्तर आया क्या मुख्यमंत्री कार्यालय से या शासन से? ये संपत्ति कर की बात जो है मैं पहले भी उठाया था, लेकिन गंभीरता से तब उठाना पड़ा जब यहाँ पर संपत्ति कर का कहीं पर कुर्की होने लगा, कहीं पर किसी तरह का दबाव पड़ गया और पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा है नगर निगम को। तो मैंने मुख्यमंत्री जी को एक सुझाव दिया है या आवेदन दिया है या निवेदन किया है उनसे कि ये प्रदेश ऐसा होना चाहिए जो MSME प्रदेश का वो प्रॉपर्टी टैक्स मुक्त होना चाहिए, क्योंकि नगर पालिका निगम जो है कहीं पर ले रहा है, कितने आदमी हाईकोर्ट से राहत लिया है, कितने जगह पर टैक्स ले रहा है, कितने जगह पर टैक्स की छूट है, बहुत सारे इसमें लंबा एक कहानी बन चुकी है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है, उन्हें पत्र भी दिया है कि इसको छत्तीसगढ़ को MSME, छत्तीसगढ़ के MSME जो है उसे क्या कहते हैं, इससे मुक्त किया जाए प्रॉपर्टी टैक्स से। हमें ये भी आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है होगा, बहुत जल्दी होगा। क्योंकि ये भी वर्तमान में देखा जाए तो लाइट इंडस्ट्रियल एरिया, भिलाई हैवी इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ पे उद्योग किस तरह की समस्याएं व्याप्त है जिसका निराकरण काफ़ी लंबे वक्त बाद भी नहीं किया जा सका है? देखिए क्या है कि इंडस्ट्रियल स्टेट है, उद्योग तो छोटा हो बड़ा हो सबका, हम लोग औद्योगिक संगठन से जुड़े हुए हैं, सबके लिए है। लेकिन क्या होता है कि यदि सब में हम पैर अड़ाने लगे तो गलत है। मुख्यमंत्री भी अपने नीचे सबको अधीनस्थ कर दिया है, ये मंत्री वो मंत्री वगैरह वगैरह, तो हम जो है केवल MSME को देखते हैं और MSME का समस्याएं जो है काम की अब उतनी समस्याएं नहीं रही जैसे पहले था, क्योंकि अब सबको जरूरत पड़ गया कोरोना के बाद। अब यही दो ठो चीज रहा है, एक ठो वैट का और एक ठो प्रॉपर्टी टैक्स का मेन है, ये ही मेन समस्या है। बाकी तो रोड, बिजली, पानी ये सब तो चलते रहता है। और आपको बताओ कि एक ऑथेंटिक अभी नहीं आया लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि छावनी चौक से लेकर के हथखोज के जो पुल है वहाँ तक कंक्रीटिंग रोड का लगभग सेंक्शन हो चुका है, और लाइट इंडस्ट्रियल एरिया का पहला रोड जो है SS हॉस्पिटल के बगल से और वहाँ तक छावनी में मिलाने के लिए जो रोड है इसका भी कंक्रीटिंग का मैंने उनसे निवेदन किया था, लगभग सेंक्शन हो गया। अधिकृत रूप से मैं इसलिए इसको अभी नहीं घोषणा कर सकता, बता सकता, क्योंकि हमारे पास कोई पत्र नहीं आया, लेकिन हो गया। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ उद्योग विभाग को, खास करके
शासन, क्योंकि अभी एमएसएमई से जुड़े उद्योग जो भी हैं और जो नए भी जुड़े हैं, लाइट इंडस्ट्रियल एरिया, हैवी इंडस्ट्रियल एरिया में, क्योंकि अभी एक वर्ष बचा है सरकार का, मैं फिर से आपसे कहना चाहूँगा, तो अभी लंबित मांगे अभी मुख्य प्रमुख रूप से कौन सी हैं जिनका निराकरण लंबे वक्त बाद भी नहीं किया जा सका है? अब लंबित मांग सबसे पहले फ्री होल्ड जमीन का था, वो बात तो हो चुकी है। फ्री होल्ड जमीन में अब हमको करना है आगे होकर के, अब उनके लिए कुछ नहीं बचा है। जो अभी सबके जुबान पर है और जो अभी सबसे बड़ा समस्या है वो प्रॉपर्टी टैक्स है। प्रॉपर्टी टैक्स प्रदेश के अन्य संगठन भी उठाए हुए हैं, बड़ी जोर शोर से उठाया है और सबको उम्मीद है कि संवेदनशील मुख्यमंत्री जो है हमारे, जो उद्योग को समझते हैं, उद्योग के दर्द को समझते हैं, वो मुख्यमंत्री जी जरूर इसको कर देंगे, क्योंकि और समस्या तो रहा ही नहीं। जैसे कोरोना काल में इन्होंने प्रदेश के पूरे उद्योगपति को 10-10 करके बुलाए अपने निवास पर और सबसे चर्चा किए, एक एक घंटा, दो दो घंटा, क्या तकलीफ हो रहा, कोरोना है, कोरोना के समय में नहीं बुला सकते, तो उसके बावजूद बुलाए। उसी समय सारे इंडस्ट्रीज बंद हो गए थे ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, उन्होंने जा करके उसके लिए सेंट्रल से लड़ करके सारे उद्योग को ऑक्सीजन सिलेंडर दे करके फिर से उद्योग में ऑक्सीजन जागृत किए। ऐसे मुख्यमंत्री के पास कोई लंबित मांग तो है नहीं, जो मांग है पूरा करता है, इसीलिए याद नहीं रहता क्या मांग बच गई। जी, अगर उद्योगों से हटकर के बात की जाए तो चूंकि भगवा रंग का विवाद काफी गहराया हुआ है, हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा एक बयान दिया गया जिससे लेकर के बजरंग दल द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, बयान पर आपत्ति जताई जा रही है, तो उस बयान को लेकर के आपका क्या कहना है? हालांकि हम लोग पॉलिटिकल आदमी तो है नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कहेंगे कि बात तो सही है। हम लोग के यहाँ भी देखिए गांव में बोलता है कि अरे भाई इससे अब बात मत करो, ये तो सन्यासी हो गए। सन्यासी मतलब भगवा वस्त्र धारण कर लिए या तुलसी के माला पहन ली। तो जो आदमी तुलसी के माला या भगवा वस्त्र पहनते हैं उनको बोलते हैं कि सन्यासी हो गए। तो सन्यासी हो गए मतलब वो मोह त्याग दिए। ना सन्यासी को कोई घर होता है ना दरवाजा होता है, जहाँ पर वो खड़े हैं वहीं पर होते हैं। तो उनको भगवा तो वो होता है, लेकिन भगवा में क्या कहते हैं, ये क्या बात हुई कि ये रंग पहना तो इसका हो गया, वो रंग पहना तो उसका हो गया। ये सब जो है उसका, जो भाजपा जो है, ये सब धर्म के नाम पर खेल खेलते हैं, कोई इसमें दम नहीं है। भगवा पहने कोई पहने क्या हुआ, वो तो त्याग का भगवा है। यदि कर दिया कर दिया, बोलेंगे आप मुख्यमंत्री जी जो बोल रहे हैं वही चीज़ आप रिपीट कर रहे हैं, लेकिन हम उससे अलग बोल रहे हैं कि कोई भी आदमी भगवा वस्त्र धारण करते जो सन्यासी हो। लेकिन यहाँ तो सब पकड़ लिया है, देखो जो भी लगता है गले में गमछा बांध के चल देते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो आगे की बात है, लेकिन उसमें कोई दम नहीं है, सब कपड़ा पहनते हैं ठीक तो है, जिसको जो मन है वो पहना। आजकल तो क्या कहते हैं, वास्तु के हिसाब से हर एक कलर को हर एक दिन पहनने लगा लोग, इसका मतलब क्या हुआ? हर एक दिन अलग अलग पहनते हैं, जैसे गुरुवार है तो बोलता है कि उस दिन पीला पहनो, मंगलवार है तो लाल पहनो, बुधवार है तो हरा पहनो, तो क्या मतलब हुआ? हरा पहने तो मुसलमान हो गए, ऐसा थोड़ी होगा। या मान लीजिए कोई लाल पहने तो हम क्या हो गए, ऐसा नहीं है, ये सब गलत है। झा जी, आपसे आखिरी सवाल ये है, चूँकि एमएससी अपने सामाजिक दायित्वों के लिए कितनी जागरूक और लोगों से जो कार्य हैं विशेष रूप से उसके लिए किस तरह की आप लोगों की कार्य योजना है, किस तरह से लाभ दिलाने का आम लोगों को प्रयास किया जाएगा? हमारा एमएसएमई का एक ही सिद्धांत है, हमने कोरोना काल में एमएसएमई का गठन किया था और एमएसएमई लगातार, चाहे भिलाई स्टील प्लांट हो वहाँ पर हमारे सहायक उद्योग है, वहाँ के लिए हम लड़ते हैं, अपनी बात को रखते हैं, केंद्र सरकार से भी अपने बात को रखते हैं और राज्य सरकार से भी अपने बात को रखते हैं। जरूरत पड़ने पर पर्सनल रूप से जाकर के मुलाकात करते हैं, टाइम टू टाइम मीटिंग करते हैं। हमारा एक ही ध्येय है कि उद्योग आगे बढ़े तो प्रदेश आगे बढ़ेगा, उद्योग आगे बढ़े तो देश आगे बढ़ेगा। उस सिद्धांत पर विगत मैं लगभग 40 साल से काम कर रहा हूँ और काम करते रहूँगा। ये थे हमारे साथ एमएसएमई जिला उद्योग संघ दुर्ग के अध्यक्ष के झा जी, जिनके द्वारा हमें स्पष्ट रूप से विस्तार से बताया गया उद्योग जगत से जुड़ी समस्याओं के निराकरण के लिए एमएसएमई द्वारा लगातार गठन होने के बाद से ही किस तरह का प्रयास किया जा रहा है, अधिकांश समस्याओं को उद्योगपतियों की
की समस्याओं का निराकरण हो चुका है। जो कुछ पेंडिंग इनकी मांगे हैं वैट से संबंधित, संपत्ति कर से संबंधित अथवा अन्य मांगे, उसके भी निराकरण के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। हाल ही में झाजी को मुख्यमंत्री कार्यालय से एक पत्र भी प्राप्त हुआ है वैट को लेकर के। इसी तरह तमाम समस्याओं का क्रमशः निराकरण होते जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र में संचालित अनेकों छोटे बड़े उद्योगों में सैकड़ों हजारों की संख्या में कर्मचारी कार्यरत है। इन कर्मचारियों का भरण पोषण औद्योगिक संस्थाओं के जरिए ही किया जाता है। चूँकि उद्योगपति संतुष्ट रहेंगे, उनकी समस्याओं का निराकरण होता रहेगा, तो निश्चित रूप से कर्मचारियों और इसको उनके परिजनों को इसका लाभ मिलते रहेगा। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए कैमरामैन प्रवीण मिर्जे के साथ संजय दुबे।